साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट चौक चौधरी। साथियों आज अपन बात करेंगे भाई टिकट से रिलेटेड, बात करेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट क्या सोच रही है, लॉकडाउन का क्या माहौल चलेगा, 3 तारीख के बाद में क्या फ्लाइटें चालू होंगी नहीं होगी, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। हालांकि बहुत सारी वीडियो बन रहे हैं लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ सही इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है, इससे रिलेटेड बात करेंगे साथियों। इससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही अपडेट इस चैनल पर आपको सही तरीके से मिल सके। तो चलिए साथियों शुरुआत करते हैं अपन आज टिकट से रिलेटेड। आज की डेट में इंडियन गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया था, ट्विटर जारी किया था, इससे रिलेटेड अखबार की जो न्यूज़ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि बाकी सोशल मीडिया पे तो भाई फेक वगैरह चलता रहता है, तो अखबार की जो न्यूज़ होती है वो जेन्युइन न्यूज़ होती है क्योंकि वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से निकल के आती है। इससे रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मुझे नहीं लगता, गवर्नमेंट बोल रही है कि देखिए मैं बता दूँ, 3 मई के बाद भी विमान और ट्रेन चलने के आसार नहीं हैं। नई दिल्ली, COVID-19 को लेकर गठित मंत्री समूह का मानना है कि 3 मई को लॉकडाउन खुलने के बाद भी यात्री ट्रेन या विमान नहीं चलने चाहिए, यदि इनकी सेवाएं शुरू हो गई तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ के नेतृत्व में मंत्री समूह की 5वीं बैठक शनिवार को ही रिपोर्ट PM को भेजी गई है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बोला है लेकिन एयरलाइंस ने एडवाइजरी नहीं मानी, करते रहे बुकिंग। हालांकि अभी जो 1-2 दिन के दौरान बुकिंग हुई है, आपको पता होगा बुकिंग कौन सी हुई है, 4 मई के बाद में, 4 मई से स्टार्ट एयरलाइंस वगैरह ने, एयर इंडिया ने, काफ़ी सारी एयरलाइंस ने बुकिंग कर ली, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई आदेश उनको नहीं मिला है कि आप बुकिंग कर सकते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कर ली। चलो मैं आगे वो न्यूज़ भी आपको बताता हूँ। आगे देखिए आज की जो न्यूज़ है उसमें लिखा है 21 घंटे बाद जारी हुआ सर्कुलर, तब रोकी बुकिंग, निजी एयरलाइंस ने नहीं मांगी एडवाइजरी, नहीं मांगनी बुकिंग जारी रखी। निजी एयरलाइंस कंपनियां नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा फ्लाइट की टिकट बुक न करने की शनिवार रात जारी एडवाइजरी को नहीं मानी, यानी सैटरडे की बात है, आज संडे है, कल मंडे होगा, सुबह को वीडियो आएगा मंडे को, तो ये सैटरडे की बात है। लॉकडाउन 2 खत्म होने के बाद यानी 4 मई से टिकटों की बुकिंग करती रही, हालांकि टिकटों की संख्या बहुत ही कम थी, हालांकि टिकट करवाने वाले बहुत कम थे, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं मानी। गवर्नमेंट के पास न्यूज़ पहुंची कि भाई टिकटें बुक हो रही हैं, तब जाके गवर्नमेंट ने उनको लिखित में आदेश दिया। पहले तो ऐसे ही बोल दिया था कि टिकट बुक नहीं करनी है, तो ये इन्होंने बोला कि भाई हमें लिखित में आदेश नहीं मिले, यानी स्पष्ट आदेश नहीं मिलने की वजह से इन्होंने टिकट बुक कर ली। फिर रात को 10 बजे मंत्री साहब जो पर्यटन मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट करके स्पष्ट किया कि अभी किसी भी तरह की उड़ान पर कोई फैसला नहीं हुआ, इसलिए एयरलाइंस कंपनियों को सलाह दी जाती है कि टिकटों की बुकिंग सरकार के फैसले के बाद शुरू करें। इसके बाद सरकारी कंपनी एयर इंडिया ने बुकिंग बंद कर दी, लेकिन निजी एयरलाइंस कंपनियों ने रविवार को भी बुकिंग चालू रखी। उड्डयन मंत्री के ट्वीट के 21 घंटे बाद ADG ने सर्कुलर जारी कर स्पष्ट किया कि अभी 3 मई के बाद बुकिंग करने संबंधी कोई निर्णय नहीं हुआ है। इसके बाद निजी एयरलाइंस कंपनी ने रविवार रात इस संबंध में इंटरनल आदेश जारी किए। यानी भाई बहुत सारे लोगों ने अगर टिकटें बुक करवाई हैं तो वो टिकटों का कोई सेंस नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा आदेश नहीं हुआ, कंपनियों ने अपने हिसाब से अपनी मर्जी से कि भाई 3 तारीख को लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उस हिसाब से उन्होंने टिकट बुक कर ली। तो अभी तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ। आप कोई भी न्यूज़ देखते हैं या फिर कहीं पर भी न्यूज़ फेक चलती रहती है, भाई मेरी ये मानना है, फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी बहुत सारी फेक न्यूज़ आती हैं, टोटल अगर 10 वीडियो देखें तो 8 वीडियो टिकट से रिलेटेड होती हैं, बाकी इनमें सच्चाई नहीं है। 3 मई तक का गवर्नमेंट की तरफ से कोई डिसीजन नहीं हुआ है अभी तक की डेट में, आज संडे है, 20 अप्रैल की मैं बात कर रहा हूँ, आज तक की डेट में जब भी होगा कोई नेक्स्ट अपडेट अगर टिकट से रिलेटेड आएगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और भाई थोड़ा सा धीरज रखें, आप काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, हम फंसे पड़े हैं, हम ये फंसे पड़े हैं। अरे भाई फंसने वालों की संख्या कितनी है यार, 0.0% भी नहीं है फंसने वालों की संख्या, ये सोचिए आप, 135 करोड़ की जनसंख्या है वर्ल्ड में, कितने एक फंसे हो आप, तो हज़ारों में भी नहीं फंसे हो, बाकी तो वर्कर हैं अपने काम कर रहे हैं, लॉकडाउन बंद पड़ा है, जिनको जो आना चाह रहे थे वही तो फंसे हैं ना, बाकी तो कितने एक फंसे हैं, 1.01 भी नहीं फंसे हैं मेरे हिसाब से। आप थोड़ा सा धीरज रखें, समाधान होगा, अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, जो मोमडन कंट्रियों में उनको तो खाने की वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बाकी भाई जैसे तैसे करके टाइम निकालना पड़ेगा, इसके अलावा ऑप्शन नहीं बच रहा है। ठीक है साथियों, मेरे हिसाब से ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही जानकारी, सही मोटिवेशनल वीडियो यहाँ पे मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।